नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं गिरती लेकर हाजिर हूं। 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। भारत और यूएई की नौसेना ने अबुधाबी तट पर किया संयुक्त अभ्यास, कौशल और तकनीकी दक्षता साझा की। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री ने जितेंद्र सिंह से कहा, दिवंगत सरकारी कर्मचारियों ने दिव्यांग बच्चों की फैमिली बढ़ाई जाएगी पेंशन। एनआईए ने बेंगलुरु में बांग्लादेशी मानव तस्करों के ठिकानों पर मारे छापे, आपत्तिजनक दस्तावेज हुए बरामद। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत हासिल करेगा बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष में तैनात करेगा निगबान। सीएम योगी आदित्यनाथ की पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बड़ी पहल, ब्लॉक प्रमुखों को पत्र लिखकर विश्वास जताया, क्षेत्र पंचायत उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए करेंगी कार्य। अखिलेश यादव का दावा, 2022 में महादल के साथ बनाएंगे सरकार, कराएंगे जाति आधार पर जनगणना। विपक्ष के गठबंधन का चक्रव्यूह भी भेदने को तैयार, भाजपा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने जताई ये संभावना। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2014 भर्ती में सीबीआई ने पकड़ी धांधली, अब अफसरों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। सतीश मिश्रा बोले, बीजेपी कर रही ब्राह्मण समाज का अपमान, बिकरूकांड का किया जिक्र। तालिबान समर्थक देश को कड़ा संदेश, टेरर फंडिंग करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीन दिन में तीसरी प्रांतीय राजधानी पर तालिबान का कब्जा, अफगान सेना के हवाई हमले में 572 आतंकी ढेर। पाकिस्तान के गुजरावाला जिले में सिलेंडर विस्फोट, 9 की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल। जंगल में लगी भीषण आग से सहमा ग्रीस, विमानों की ली जा रही मदद। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया बनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू को लग सकता है झटका, पेरिस ओलंपिक से बाहर, हो सकता है वेट लिफ्टिंग। टोक्यो ओलंपिक का हुआ समापन, 339 इवेंट्स में 11,000 एथलीट्स शामिल हुए, बजरंग पुनिया ने की भारत दल की अगुवाई। बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ नॉटिंगम टेस्ट मैच का पहला टेस्ट मैच, जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड, जो रूट बने मैन ऑफ द मैच। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर मचा बवाल, कांग्रेस ने मोदी स्टेडियम का नाम बदलने को कहा, गौतम गंभीर ने भी दिया बड़ा बयान। अली अब्बास जफर की अपकमिंग फिल्म में शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी भूमि पे नेकर, इस फिल्म में फीमेल लीड निभाएंगी किरदार। हिना खान ने मनाई पिता की बर्थ एनिवर्सरी, इमोशनल दिखी मां रोते हुए यू काटा केक। ध्यान चंद बायोपिक पर 9 साल का इंतजार हुआ खत्म, अगस्त एंड में होगी फिल्म की अनाउंसमेंट, अभिषेक चौबे करेंगे फिल्म का डायरेक्शन। करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम के टाइटल ट्रैक के साथ घर में मारी एंट्री, बिग बॉस ओटीटी पर मचेगा धमाल।
बेल बॉटम का प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा के पहले मेहमान बनेंगे अक्षय, सेट से आशीर्वाद लेते हुई तस्वीर वायरल। पांच पांच मिनट फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।